वाह सुमस्त्रुक जी पशुवेरम पिष्टा लोवाचकाई वाहे हे सुमन छाईपी डगला फू शिरीनिक जेवला से मशेर के जेवला और स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हाइब्रिड पोर्टुगल वजीर ज़ादा साहब को वादी कैलाश अहमद पर खुशामदीद कहते हैं। कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे आप, कैलाश वादी आए हैं ज़ादा साहब, चूँकि पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कैलाश कम्युनिटी को असेंबली में नुमाइंदगी दी गई है और ये बहुत खुशाइन बात है और कम्युनिटी इस बात को लेकर बहुत खुश है। कैलाश में दो कम्युनिटी बसते हैं मेनली, मुस्लिम और कैलाश कम्युनिटी। तीनों वैलीज़ की हम आबादी की बताते चलें तो ये तकरीबन 15,000 के करीब है, जिसमें से 3,700-800 कैलाश कम्युनिटी इन वादियों में बसते हैं, जो कि हज़ारों साल पुरानी सकाफत को, रिचुअल्स को, ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस करते आए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत जहां मिनोरिटीज़ के लिए पूरे पाकिस्तान में इनकलाबी इकदाम उठा रहे हैं, उनके बदलगाहों को मज़ीद बेहतर करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। जनाबे वाला, आपको मालूम होगा कि कैलाशा सकाफत, कल्चर, ट्रेडिशन जो भी हैं, रिलीजियस रिचुअल्स, ये अनडॉक्यूमेंटेड है, ये किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। उस हिसाब से हम देखा जाए जो जिसमें तब्दीलियाँ रुनमा जो हो रही हैं, क्योंकि ये सकाफती नॉलेज जो है, विजडम है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही यंग जनरेशन में। स्कूलों में इसके लिए कोई नसाब में शामिल कोई भी इससे दस्तावेजी चीज़ें शामिल नहीं है, जिसकी वजह से भी हमारे जो यंग जनरेशन है उनको गुनागुन मसाइल से दो चार हैं। तो काज़ी साहिबान मुताबिक तौर पर ये एक डिमांड करते रहे हैं कि कैलाशा जो रिवायात हैं इनको स्कूल सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, ताकि यंग जनरेशन सीखे अपने बारे में, प्रैक्टिस करें और ये इसकी सर्वाइवल में इनको मदद मिले। जहाँ तक इबादत खानों की बात है, 5 करोड़ से जो रकम पीटीआई की हुकूमत आप सबके सरबराह में कैलाश कम्युनिटी को दी गई, जिससे इनकी अराजी नया अराजी खरीदी गई, एक्सटेंशन हुआ, और अभी ये भी पता चल रहा है कि 4.5 करोड़ रुपीज़ जो है फर्दर इनकी एक्सटेंशन के लिए और बेहतरी के लिए खर्च किए जाएंगे। चूँकि इसमें एक मसला ये भी है कि कम्युनिटी थोड़ा कम होती जा रही है, तो इस मसले को हल करने के लिए काजी साहिबान की तरफ से एक सफरशाद या एक बात की गई थी, डीसी साहब को दरख्वास्त भी दी गई थी कन्वर्जन का एक इशू जो है, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है, हम समझते हैं इस चीज़ पे बात नहीं किया जा सकता, एक छोटी सी कम्युनिटी इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन काजी साहिबान ये चाह रहे हैं कि कैलाश और मुस्लिम कम्युनिटी के जो रिलीजियस रहनुमा हैं वो आपस में बैठ के इसके लिए POR बनाएँ, उस हिसाब से जो कि अंडर एज कन्वर्जन होती है उनसे पूछे बगैर उनकी शादी कर दी जाती है। तो इनकी एक बेटी को जो कि 10-15 साल पालने के बाद कोई उसको बगैर पूछे, उनसे अनबोर्ड लिए बगैर उनकी शादी करते हैं, तो उसमें इश्यूज क्रिएट होते हैं, बाद में जाके वापस आके घर बैठते हैं, तो वो भी एक चैलेंजेस है इनके लिए। तो इनकी सर्वाइवल का एक इशू है जो कि मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट भी है। जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेंजिबल हेरिटेज पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, बेहतर कर रही है, कहीं खुदा ना करे कि ऐसा ना हो कि हम बाद में ये दिखाएं कि ये तख्तबाई टक्सिला में जो रुइंस हैं उनकी तरह हम भी बताएंगे कि कैलाश यहाँ रहते थे वो ख़त्म हो गए। इसकी हेरिटेज डिक्लेयर करने के लिए, अगर नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद
इसकी प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन भी नहीं कंजर्वेशन के लिए इकदाम उठाए जाएंगे, जो कि कम्युनिटी के लिए भी बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। बींग अ पाकिस्तानी हम प्राउड फील करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, हम खुशी मनाते हैं पाकिस्तान के साथ, उठते हैं, बैठते हैं, जीते हैं। जब ये सुनता हूँ मुझे अफसोस होता है, ये पर्सनली मैं बताऊँगा, ये पाकिस्तान नहीं चलता है, गाड़ी मौजूद है, ड्राइवर नहीं है, किस तरह चलेगा। इस चीज़ को बेहतर करने के लिए हमने सबने मिलकर काम करना होगा। पंचुअलिटी किसी भी नेशन का, किसी भी कौम का सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। जब हम पंचुअल नहीं होंगे, एवरी सिटीज़न, मेरे ख्याल में इसमें मसाइल होंगे। कैलाश कम्युनिटी के मसाइल आप वो ज़्यादा साहब से सुनते रहे हैं, और जो कुछ हो रहे हैं तरक्याती काम, मैंने उनका जिक्र किया कि जिस तरह एम्प्लॉयमेंट में बेहतरी आई है, इनके इनकम जो इनकम के जो सोर्सेज है, रेवेन्यू सोर्सेज है, उनमें बेहतरी आ रही है, इनके वसाइल में इजाफा होता जा रहा है। जो 5 करोड़ की खतीर रकम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने इंडोमेंट फंड की सूरत में कैलाश कम्युनिटी को दी है, जिससे इनके जो एक्सपेंसिव रसूमात है उनको सस्टेन करने में बहुत बेहतरी आएगी। मैं समझता हूँ कि आपका विजिट, आपने जिस तरह देखा सारे मराइल रोड्स के ऊपर आप खुद चल के आए हैं, तो इस पर डेवलपमेंट ये है कि इस पर जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा जो बताया जा रहा है, और फेस्टिवल के एरिया का भी विजिट करेंगे। जितने भी रिलीजियस जो इबादतगाहें हैं, उसमें मसला ये है कि कहीं ज़मीन उनका नहीं है, कहीं रास्ते उनके लिए नहीं है, तो इन फ्यूचर में कोई मसला क्रिएट ना हो, ताकि जो रकम मुख्तस की गई है इससे इनकी अराजी खरीदी जाए, इनकी बेहतरी की जाए। जो दोनों कम्युनिटी है जिस तरह अमन से रह रहे हैं, इसी तरह बेहतरी से आपस में घुल मिले, आपस में भाईचारे सकाफत के, और ये खसूसी तौर पर आप लोगों ने दावत किए थे, मैं इन तक पहुंचाया, और ये आप लोगों से इस त्यौहार में, ये कल्चर के मिनिस्टर हैं, आपसे मिलने आए हैं, मैं इनको वेलकम भी करता हूं, इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और इनके साथ हमारे जवाब साहब हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मरकज़ में फैसले करते हैं, नाम सुने वहाँ पर ये बड़े। लेकिन आज अल्लाह की फजल से इस वैली में मैं आया हूँ, और मेरा तो ये ख्याल था कि शायद किसी ख़ास मखसूस अदवार में या मखसूस उसमें आपका ड्रेस ऐसा होगा, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, ये तो ड्रेस ही इनका यही है, और छोटे छोटे बच्चों को देखा, उन्होंने भी ये ड्रेस किया हुआ था, तो हमें खुशी भी है, और ये फ़ख्र की बात है कि ये जो कल्चर है दुनिया में पाकिस्तान में, तो हम इंशाल्लाह ताला आपके इस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, इसको महफूज बनाने के लिए, ये इंशाल्लाह ताला हुकूमत आपके साथ देगी, पूरा साथ देगी। आपने भी इस कल्चर को हमने एक वादी के अंदर बंद रखा हुआ है, ये हमारी बदकिस्मती समझो। इस कल्चर को हम लेके दुनिया के अंदर ले जाएंगे, ताकि दुनिया में मुतारिफ हो कि पाकिस्तान में ऐसा कल्चर भी है, जो छोटी सी कम्युनिटी है लेकिन उनको पूरी आज़ादी है, और उस कम्युनिटी में वो अपने जो उनकी रिवायात हैं, उनका जो कल्चर है, वो पूरा के पूरा ज़िंदा है। और मेरे ख्याल से ये वाहिद कम्युनिटी है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि जब चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, वो कल्चर थोड़ा 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 सा उसको असर पड़ता है। लेकिन मैं दाद देता हूँ आपको कि आपका कल्चर आज तक नहीं, 2500 साल गुजरे, आपका कल्चर चेंज नहीं हो रहा है, ये ज़बरदस्त, ये आपकी आपका कल्चर और आपके जो लोग हैं इसको जो ज़िंदा रखें, इनको मैं दाद देता हूँ। तो ये जो हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर जो मईशत उठती है वो टूरिज़म से उठती है, या उनके पास कोई जंगलात होते हैं, या जैसे नॉर्वे वो फ़िश की वजह से, उनकी फ़िश मार्केट बड़ी है, वो वहाँ से फ़िश पकड़ते हैं, पूरी दुनिया को देते हैं। हमारे पास जो है अल्लाह ने कुदरती हुसन दिया है, बहुत खूबसूरत वादियाँ दी हुई हैं, लेकिन जो असल इशू है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सड़कें नहीं हैं वहाँ पर, फैसिलिटीज़ नहीं है, सहूलतें नहीं हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि टूरिज़म को हम प्रमोट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वो चाहता है कि टूरिज़म पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको हम, उस अपॉर्चुनिटी को लेके पूरी दुनिया को हम बताएं कि पाकिस्तान खूबसूरत है, आप आएं, आप मुख्तलिफ कल्चर देखें, आप हमारे जो कुदरती हुसन है अल्लाह ने दिया है, पहाड़ों को, वादियों को, आप वो भी देखें, और साथ साथ हम ये कहेंगे कि आए कैलाश कल्चर को भी देखें। ये कल्चर आपको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगा, ये ओरिजिनल कल्चर है, तो इसलिए
ये जो इस कल्चर को प्रमोट करना भी आसान है, सिर्फ इस कल्चर को दिखाना है हमने। जो हम बदकिस्मती से माजी की हुकूमतों ने कल्चर को प्रमोट नहीं किया, टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया, आज इंशाल्लाह ताला आपका जो वज़ीर आला महमूद ख़ान वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कल्चर को प्रमोट भी किया जाए, टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, उससे आपके लिए बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, उसके लिए आपके रोज़गार के मौके भी मिलेंगे, आपकी मईशत भी उठेगी। और मैं समझता हूँ कि ये कल्चर अगर दुनिया देखे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला टूरिज़्म में सबसे ये सकाफत अस्बती आप ही कोशिश कर रहे हैं सकाफत अस्तर और एक सयात अस्तर मिमी कल्चर अभी दुनिया से तपाशेक और सयात पर तरक्की रहो रोज़गार को आई भी बती कोशिश करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला कि अभी तक तो हमें नहीं पता था, सिर्फ सुना था। अभी आपका जो ये लीडर है और आपका मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इमरान खान ने इनको जब वज़ीर बनाया और ये है ही वज़ीर ज़्यादा, ये तो परमानेंट वज़ीर है, लेकिन तो परमानेंट वज़ीर को वज़ीर बनाया है तो ये इमरान खान का वो विजन है कि वो कैलाश कल्चर को उठाना चाहता है, वो कैलाश कल्चर को प्रमोट करना चाहता है। इनको लाने का मकसद भी ये था और इंशाल्लाह ताला ये जो इसकी मेहनत की वजह से आपके देखें ये जो सड़क है, जो सड़कें आपके लिए बन रही हैं, 4 अरब से ज़्यादा पैसे मंजूर, स्कीम मंजूर, अब ज़मीन खरीदी जा रही है, तो आप देखें इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उस पर काम शुरू होने वाला है। ये इस शख्स की मेहनत है, ये रोज़ आते हैं वहाँ लड़ता है कि जी मेरा कल्चर, मेरा इलाका, मेरा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये आपने बेहतरीन चॉइस की है और हमें भी इस पर फ़ख्र है इन चॉइस की है। ये पूरे जितने भी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी, उस पर भी लगा हुआ है और साथ साथ कैलाश कल्चर को उठा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे स्कीमें हैं, जैसे नहर, आपके नहरों की स्कीमें 10 करोड़ रुपए उसके लिए हैं, आपके ग्रेवयार्ड जो कब्रिस्तान है उसके लिए ज़मीनें खरीद रहे हैं उसके लिए 4 करोड़, इसी तरह जो सकाफती आपके वो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मेरे भाई ने बताया कि एंडोमेंट फंड जब बन रहा है 5 करोड़ रुपए का, उसकी जो आमदन आएगी वो आप लोगों पे खर्च होगी। इसके अलावा चूँकि मैं आया हूँ यहाँ पर, तो इंशाल्लाह ताला इस साल का तो ADP गुजर गई, लेकिन नेक्स्ट ADP से आपके जो त्यौहार होंगे वो इंशाल्लाह 5-5 लाख रुपए हर वैली को मिलेंगे। दूसरा ये कि जो इमाम का जो काजी हैं, काजी को 30-30 हज़ार रुपये मिलते हैं, नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह 40-40 मिलेंगे। कि कैलाश कम्युनिटी, कैलाश वादी और कैलाश का कल्चर, इसके लिए जिस तरह एक अथॉरिटी बनती है तरक्याती कामों के लिए, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि कैलाश डेवलपमेंट अथॉरिटी बने। वो अथॉरिटी जब बनेगी तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी इंशाल्लाह ताला, एक तरक्की का नया दौर शुरू होगा और ये सारा क्रेडिट जाएगा वज़ीर-ज़ादा को। तो अभी वज़ीर-ज़ादा सिर्फ अकेला नहीं लड़ेगा, हम सारे मिलकर एक टीम की हैसियत से आपके हकूक के लिए इंशाल्लाह। Yaman de o